केजरीवाल का बड़ा ऐलान, लोकसभा का लड़ेंगे चुनाव, बढ़ जाएगी सीएम भजन लाल की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 400 पार का दावा कर रही बीजेपी राजस्थान के माहौल से टेंशन में है। एक तो कांग्रेस पहले से पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, उसके ऊपर से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी भजन लाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी फिलहाल हनुमान बेनीवाल को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन दोनों को ही झटका लगने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हनुमान बेनीवाल का एक पोस्ट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में हनुमान बेनीवाल 5 साल में सांसद रहते हुए किए गए अपने कामों का लेखा जोखा जनता को बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक तस्वीर को पोस्ट किया है जिसमें लिखा है 5 साल बेमिसाल। इसको पोस्ट करते हुए बेनीवाल ने लिखा है, बतौर सांसद मैंने सांसद निधि के तौर प्राप्त हुई राशि का पूर्ण उपयोग करके 20.87 करोड़ रुपए की राशि से नागौर संसदीय क्षेत्र में जनता, कार्यकर्ताओं व जन प्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप विभिन्न विकास कार्य करवाए। आगे बेनीवाल ने लिखा, वही DMFT फंड से भी 93.82 करोड़ रुपए की राशि से नागौर संसदीय क्षेत्र के साथ नागौर जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए। क्षेत्र के विकास के लिए सांसद कोष DMFT फंड के अलावा लगातार प्रयास करके राज्य व केंद्र की योजनाओं के माध्यम से भी विभिन्न विकास कार्य करवाए। अब जिस तरह से बेनीवाल ने यहाँ बतौर सांसद किए गए विशेष कार्यों का लेखा जोखा जनता को दिया है, इससे ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि बेनीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। उसी का ऐलान है ये, इसे एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। यानी जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ये बता रहे हैं कि सांसद रहते हुए उन्होंने क्या काम किया है, तो जाहिर सी बात है वो जनता को बता रहे हैं कि वो फिर से मैदान में आ सकते हैं, ऐसे में फिर से उनका भरोसा किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो सीएम भजन लाल की टेंशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में है, लेकिन बेनीवाल खेल उनका बिगाड़ सकते हैं अपने वोट बैंक के सहारे। वही जनता भी इस पर अपनी राय दे रही है। एक यूजर ने लिखा है, राजस्थान के एकमात्र सांसद है हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने नागौर लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ तमाम राजस्थान की जन भावनाओं की संसद में मजबूती से पैरवी करी। दूसरे यूजर ने सवाल करते हुए लिखा है, साहब इस बार नागौर से चुनाव तो लड़ रहे हैं ना, कहां से बेनीवाल चुनाव लड़ सकते हैं? पिछले लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने नागौर से जीत दर्ज की थी, और अब खबरें हैं कि यहां से हनुमान बेनीवाल फिर से चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने नागौर बीजेपी के सहयोग से जीता था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बेनीवाल नागौर से सचमुच चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो उनका सामना ज्योति मिर्धा से होगा, क्योंकि नागौर में भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ज्योति मिर्धा विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, मगर उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस बीजेपी करना चाहती है बेनीवाल के साथ गठबंधन। अब जब से चुनाव लड़ने का इशारा बेनीवाल ने किया है, तब से सवाल उठ रहे हैं कि बेनीवाल किसके साथ गठबंधन करेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही बेनीवाल के साथ गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस इस वक्त हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ गठबंधन करने के बारे में सोच रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन करने का सोच रही है, और ऊपर से कांग्रेस के पास राजस्थान में एक भी सीट नहीं है, इसीलिए भी कांग्रेस के लिए बेनीवाल का साथ जरूरी है। वही राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी हनुमान बेनीवाल को एक बार फिर से एनडीए में लाने की कोशिशों में है। हालांकि अब जिस तरह से बेनीवाल ने पोस्ट किया है और बताया है कि बतौर सांसद उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उससे कयास यही लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।